कोरोना की तीसरी लहर जितनी खतरनाक हो रही है उससे अधिक संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 317,352 नए मामले सामने आए हैं, जो कि बुधवार की तुलना में 35,000 अधिक हैं। इसी के साथ पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड भी टूट गया। पिछले साल जून में 300,000 से अधिक मामले सामने आए थे, वहीं बीते 24 घंटे में 491 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सबसे अधिक चिंता करने वाली बात यह है कि देश में अब भी 19,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। बात करें राजस्थान की तो बुधवार को प्रदेश में तीसरी लहर के सबसे डरावने आंकड़े सामने आए। 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, वहीं 13,398 नए मरीज सामने आए। जयपुर में 3 मरीजों की मौत हो गई, वहीं जोधपुर और बीकानेर में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। 5 जिलों अजमेर, अलवर, दौसा, कोटा और सीकर में 1-1 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर में बीते 16 दिनों में कोरोना संक्रमण से अब तक 67 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 50 मरीजों ने पिछले 7 दिन में दम तोड़ दिया। प्रदेश में 13,398 कोविड पॉजिटिव एक दिन में मिले हैं।